आज हम लोग कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन रेजिस्टर्स आखिर हैं क्या? कार्बन रेजिस्टर्स एक हाई ग्रेड सेरामिक रॉड है जिसके ऊपर डिफरेंट कलर्स कोडिंग की हुई होती है। इस तरीके से ये कार्बन रेजिस्टर होते हैं जिसके ऊपर इस तरीके से ये कार्बन रेजिस्टर होता है जो कि एक हाई ग्रेड सेरामिक रॉड है। इसके ऊपर डिफरेंट तरीके की डिफरेंट कलर्स की कोडिंग की होती है। हर कलर कोड का अपना एक फंक्शन होता है, अपनी एक वैल्यू होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम कार्बन रेजिस्टर्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इसकी टॉलरेंस निकालते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में कार्बन रेजिस्टर्स को देख सकते हैं कि ये रेजिस्टर हैं जिसमें रेजिस्टेंस को शो करने के सिंबल ये भी होता है, ये भी होता है, और ये जो है ये तो है ये एक रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस में आप देखें कि यहाँ पर आपके पास जो है ऑरेंज कलर, ये भी ऑरेंज कलर कोड है, ये वाइट, ब्लैक और फिर ब्राउन है आपके पास। तो हर कलर कोड से इस तरीके से हम लोग इसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस और टॉलरेंस वगैरह किस तरीके से निकाली जाती है। लेकिन पहले हम लोग कार्बन रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर डिफरेंट तरीके के कलर जो है वो कोड किए गए होते हैं और हर कलर कोड की अपनी एक वैल्यू होती है जिसके थ्रू रेजिस्टर की जो है वो वैल्यू निकाली जाती है। इस तरीके से ये एक कार्बन रेजिस्टर है, ये दो इसके टर्मिनल है जिसे हम लोग ब्रेड बोर्ड के अंदर कनेक्ट करते हैं। तब ये रेजिस्टर जो है वो सीरीज वे में या पैरेलल वे में उस बोर्ड के अंदर कनेक्ट करके इस्तेमाल में लाई जाती है। अब इस रेजिस्टर को देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कलर्स को देखना पड़ेगा। कलर्स को याद करने के लिए और ये जानने के लिए कि एक कार्बन रेजिस्टर पर कितने कलर हो सकते हैं, उसके लिए ये बड़ा एक फार्मूला याद करना पड़ता है। ये डिफरेंट कलर्स हैं जो सिर्फ एक रेजिस्टर के ऊपर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी कलर किसी भी रेजिस्टर के ऊपर नहीं हो सकता। इन्हीं कलर्स में से कुछ कलर्स उसके ऊपर होते हैं। ब्लैक जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, ब्राउन की वैल्यू 1, रेड की वैल्यू 2, ऑरेंज की 3 होती है, येलो 4 होता है, ग्रीन जो है वो 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे हमारे पास 8 और वाइट की वैल्यू 9 होती है। लेकिन अब ये हमें कैसे याद रहेगा कि हमेशा ब्लैक की वैल्यू 0 होगी, यानी कि ब्लैक हो सकता है कि लास्ट पर आ जाए, दरमियान में आ जाए, सेकेंड नंबर पर आ जाए, थर्ड पर हमेशा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। इनकी वैल्यूज़ को याद करने के लिए एक फार्मूला है जिसे अगर हम लोग माइंड में रखें तो हम इजीली इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फार्मूला नहीं बल्कि एक सेंटेंस है, उसकी फॉर्म में हम इसे याद करते हैं। जैसा कि वो फार्मूला कुछ इस तरीके से, वो जो सेंटेंस है उसे इस तरह से कहते हैं कि बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड बॉय। अब इसे देखा जाए, ये सेंटेंस है जिसे मुख्तलिफ जो हैं वो प्रोफेसर वगैरह याद कराते हैं ताकि बच्चों को कलर कोड जो है वो इजीली याद हो जाए। जैसे कि बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, हम लोगों ने भी यही फार्मूले से याद किया था। अब बी को देखा जाए तो बी जो है वो ब्लैक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर बी जो है वो ब्लैक, और यहाँ पर जो बी है दोबारा से आया, इसका मतलब है ब्राउन। फिर ये वाले आर वाला जो है, ये आर हमारे रेड को रिप्रेजेंट करता है, रेड के लिए। फिर ये जो ऑरेंज है रॉय में, ये और जो ओ है ये ऑरेंज को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली जो वाई है यहाँ पर, वाई येलो के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब जो जी है, ये जी जो है ग्रीन के लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और ये जो बी है, ये बी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ब्लू के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो वी आ रहा है, ये वॉयलेट के लिए। फिर ये हमारे पास जो जी है, ये ग्रे कलर के लिए। फिर ये जो हमारे पास वाइट का डब्ल्यू है, इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाइट के लिए। तो इस तरीके से आप देखें तो ब्लैक जब भी याद आएगा, अगर आप ये वाला सेंटेंस याद रखेंगे तो आपके लिए कलर्स याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप याद करेंगे बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस तरह से कोई भी कलर कोडिंग हो, बी दरमियान में भी हो, तो आपको याद आ जाएगा कि ब्लैक के लिए 0 वैल्यू है, ब्राउन के लिए 1, इस तरह रेड के लिए 2, फिर इसके लिए 3, 4, ये हमारे पास 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो 9 डिजिट्स हैं इस तरीके से पूरे हो जाते हैं। तो इनको याद करने का एक मेथड है कि हम लोग इसे किस तरीके से याद कर सकते हैं। अब इसके रूल को समझते हैं कि इसके रूल्स क्या है। ये लेट्स से कि हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर है जिसमें ये वाला जो लास्ट बैंड है जो एक्सट्रीम राइट पर है, ये गोल्डन कलर है, ये गोल्डन कलर है, ये हमारे पास जो है ये रेड कलर है, ये हमारे पास जो है ये डार्क ब्राउन कलर है, ये हमारे पास ब्राउन है, ये हमारे पास ब्लू कलर है, और ये जो है हमारे पास रेड कलर। तो ये चार कलर इस कार्बन रेजिस्टर के ऊपर आ गए हैं।
अब अगर हमें इसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी हो, चूँकि ये सिर्फ एक नहीं होते, डिफरेंट कलर लातदाद कलर्स होते हैं, कलर्स यही होते हैं मगर इनकी अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से जो है इनकी वैल्यू टॉलरेंस की तब्दील हो जाती है। अब अगर इसका पहला रूल देखा जाए तो पहला रूल ये कहता है कि हमेशा जो गोल्डन कलर है या सिल्वर कलर, वो हमेशा एक्सट्रीम राइट पर होंगे। यानी कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना, इस बैंड को अगर आप इस तरीके से सामने की तरफ से देख रहे हैं तो ब्लैक एक्सट्रीम राइट पर है, लेकिन अगर यहाँ आप रेड, ये तो हमारे पास हो गया ना कि ये हमारे पास गोल्डन कलर हो गया, ये हमारे पास रेड हो गया, ब्राउन और ब्लू तीनों कलर्स हो गए जिसे हम लोगों ने देख लिया। गोल्डन के बारे में हमने बात की कि वो एक्सट्रीम राइट पर होना चाहिए। बाकी तीन कलर्स के बारे में बात करते हैं, अगर यहाँ पर गोल्डन की जगह सिल्वर भी होता है तो सिल्वर को भी एक्सट्रीम राइट पर ही होता है, यानी कि फोर्थ बैंड जो है वो सिल्वर का होता है अगर गोल्डन कलर प्रेजेंट ना हो। तो पहला रूल तो हमारे पास ये हो गया कि हम लोगों ने ब्राउन कलर का वैल्यू याद करनी है सीरीज में से। ब्राउन कलर जो है हमारे पास 1 है। उसके बाद हमारे पास ब्लू कलर है जो कि 6 नंबर पर आता है, हम लोगों ने 6 लिख लिया है यहाँ पर। अब रेड तीसरा बैंड होगा ना हमारे पास, चाहे वो रेड हो, ब्लू हो, ब्राउन हो, ऑरेंज हो, कोई भी बैंड है, वो हमारे पास डेसिमल देता है। यानी कि यहाँ पर रेड कलर जो है, रेड कलर की वैल्यू आती है 2, और 2 जो है हम लोगों ने 2 पुट नहीं करना बल्कि जितनी इसकी वैल्यू होगी इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर ऑरेंज होता तो ऑरेंज की वैल्यू 3 थी, अगर येलो होता तो इसकी वैल्यू 4 थी, तो हम लोगों ने 4 पुट नहीं करना था, हमने 4 की जगह 4 जीरोज़ लगा देने थे इस 1-6 के आगे। अब यहाँ पर हमारे पास रेड है तो रेड की जगह मैं 2 नहीं लगाऊंगी बल्कि 2 जीरोज लगा दूंगी, यानी कि 2 डेसिमल, ये 2 जीरोज आ गए हमारे पास, तो ये 1600 बन गया। उसके पास हमारे पास गोल्डन आ जाता है। गोल्डन जो है इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इसे लिख लेना कि ये हमारे पास यहाँ तक जो है वो 1600 ओम रेजिस्टेंस हो गई हमारे पास। अब हम टॉलरेंस निकालने के लिए गोल्डन बैंड को कंसीडर करेंगे। यानी कि इतना था आपके पास रेजिस्टेंस का सिर्फ पहला स्टेप, यानी कह लिए आधा काम हो गया, जो कि आपने 2-3 स्टेप्स को याद रखकर करना है। पहला स्टेप ये कि हमेशा गोल्डन जो है आपका फोर्थ बैंड होगा और एक्सट्रीम राइट पर होगा। दूसरी बात ये कि पहला कलर कोड देखें, उसकी वैल्यू लिखें, दूसरा कलर कोड देखें, उसकी वैल्यू लिखें, लेकिन तीसरे कलर कोड की वैल्यू नहीं देखनी बल्कि जितनी उसकी वैल्यू है उतने जीरोस इस 1-6 के आगे पुट कर देने हैं। अब हमारे पास 1600 ओम जो है वो वैल्यू बन गई। इस 1600 के बाद हम लोगों ने करना ये है, जब हमें टॉलरेंस फाइंड आउट करनी हो, यहाँ पर पहले मुझे लिख देना चाहिए, अब हम लोग जो है वो टॉलरेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। टॉलरेंस फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि हमारा जो भी बैंड हमारे पास है हम उसकी परसेंटेज पुट करते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर अगर हमारे पास गोल्डन बैंड आएगा ना तो गोल्डन बैंड की वैल्यू हमेशा 5% होगी। अगर यहाँ पर सिल्वर बैंड होता तो इसकी वैल्यू 10% थी, और अगर कोई बैंड ना होता, हमारे पास सिर्फ 3 बैंड हो या फिर चौथा बैंड ही ना हो, तो इसका मतलब है हम लोगों ने टॉलरेंस निकालते वक्त वहाँ 20% वैल्यू जो है वो पुट करनी है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं टॉलरेंस की, हमारे पास 1600 ओम्स है और हमारे पास गोल्डन की जो वैल्यू है वो है 5%, तो गोल्डन की 5% को हम लोग इस तरीके से टॉलरेंस में इस्तेमाल करते हैं कि 5% ऑफ 1600। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ परसेंटेज को, 5/100 into 1600, तो ये 2 जीरो जो हैं यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 80 आंसर आ जाता है दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपस में। अब इस 80 को लिखना है किस तरह से, जो आपके ओम्स की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोगों ने अपने कलर बैंड से जो है, कलर कोड जो आपके बैंड जो आपके कार्बन रेजिस्टर के ऊपर कलर कोड्स हैं उनसे आपने मेजर की, खुद निकाली, तो 1600 ओम्स निकले। इस 1600 के अंदर प्लस माइनस कर देते हैं हम इस 80 वाली वैल्यू को। इस 80 वाली वैल्यू को जब हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो अगर तो हम 1600 के अंदर जो है वो 80 ऐड कर लें तो जो वैल्यू आती है, और 1600 के अंदर अगर हम लोग 80 माइनस कर लें तो ये मेरे पास 1520 वैल्यू बन जाती है और ये 1680 वैल्यू बन जाती है। तो इसका मतलब है टॉलरेंस निकालने का फ़ायदा ये होता है कि हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बन रेजिस्टर है इसकी जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1680 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू इसकी 1520 है, यानी इन दो वैल्यूज़ के अंदर इसकी वैल्यू लाई करती है।
तो टॉलरेंस निकालने का फ़ायदा ये होता है कि हमें उस रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास लॉट अबाउट रेजिस्टेंस दी गई होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ब्रेड बोर्ड के अंदर लगाने के लिए, तो हम पहले खुद ही उसे 2 मिनट के अंदर इसे इजीली काउंट कर लेते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी कि हो सकता है कि एग्जामिनर आपको वैल्यूज ना बताए, बल्कि कुछ रेजिस्टेंस पकड़ा दो कहीं इन्हें सीरीज वे में जोड़ कर आप मुझे इस तरीके से ना इनकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाएं। तो जब आपको रेजिस्टेंस वगैरह पता होगी तभी तो आप उसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस वगैरह पता चल जाती हैं। इसके अलावा जो हम लोग लैब्स वगैरह में अक्सर जो है रेजिस्टेंस बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के मुकाबले में रेजिस्टर कार्बन रेजिस्टर को इस्तेमाल करना आसान होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं और इसके अलावा इसको जो है सर्किट के अंदर इस्तेमाल करना भी काफ़ी हद तक ईजी होता है। तो इस तरीके से इसकी टॉलरेंस निकाल ली जाती है। तो इस तरीके से आप रेजिस्टर्स जो हैं उनकी वैल्यू टॉलरेंस वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कलर कोडिंग का याद करना पड़ता है कि पहले कलर पे जो आ रहा है इनके ब्लैक है ब्राउन है जो भी आ रहा है उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। कलर कोडिंग के लिए कलर कोडिंग तो कर दी जाती है, लेकिन इन कलर कोडिंग के लिए हम लोगों को इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है जो कि सीरीज़ में दी गई वैल्यू से हम लोग निकालते हैं। पहले कलर कोड की जो वैल्यू थी वो भी हम आसानी से लिख लेते हैं, दूसरे कलर कोड की जो वैल्यू थी उसे भी हम आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन तीसरे कलर कोड की हम लोग वैल्यू नहीं लिखते, बल्कि जितनी उसकी वैल्यू होती है उतने जीरोस हम उन पहली लिखी हुई 2 वैल्यूज़ के आगे पुट कर देते हैं। और चौथा बैंड हमारे पास गोल्डन है, सिल्वर है या कोई नहीं, अगर कोई भी नहीं है तो हम लोग 20% से उसकी टॉलरेंस निकाल लेते हैं। अगर सिल्वर बैंड है तो 10% से उसकी टॉलरेंस निकाल लेंगे, और अगर गोल्डन है जैसे किस केस में था तो 5% को यूज़ करके हम लोगों ने उसकी जो है टॉलरेंस निकाली। टॉलरेंस निकालने से हमें पता चल गया जैसे कि ये वाला एक रेजिस्टर है, इसमें पता है कि पहला भी ऑरेंज कलर है, दूसरा भी ऑरेंज कलर है, देन वाइट कलर है, अब फिर हमारे पास ब्लैक कलर है और फिफ्थ कलर जाके ब्राउन है। तो इस तरीके से भी इनकी जो है वो कलर कोडिंग से आप जो है वो कार्बन रेजिस्टर ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी डिफरेंट कलर कोड्स हैं जिनमें ये कलर डिफरेंट होते हैं, तो आप ईजिली उनकी जो है टॉलरेंस और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉलरेंस का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस कार्बन रेजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसी कार्बन रेजिस्टर की मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस अगर है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के दरमियान में ही लाई करती है।